बलात्कारी अय्याश प्यारे मियां फरार है और प्यारे मियां पर लगातार कार्यवाही हो रही है। प्यारे मियां के शादी हॉल को तोड़ने के बाद आलीशान फ्लैट पर छापामार कार्यवाही हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्यारे मियां का अय्याशी का अड्डा रहा है। ये फ्लैट प्यारे मियां की अय्याशी के अड्डे तक प्रशासन पहुंच चुका है। प्यारे मियां के फ्लैट पर महंगी शराब की बोतलें देखी जा सकती हैं। पुलिस अमला लगा हुआ है, तहकीकात कर रहा है, एक एक चीज की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में प्यारे मियां बच्चियों को लाकर रखता था, उनके संग बलात्कार किया करता था, उनका शारीरिक शोषण किया करता था। प्यारे मियां के इस फ्लैट में बताया जा रहा है कि कई राज छिपे हो सकते हैं। कुछ सफेद पोशों के नाम आने की भी बात लगातार सामने आ रही है। हो सकता है पुलिस प्रशासन की ये कार्यवाही इसलिए भी है कि उसके फ्लैट से कुछ राज निकाले जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर महंगी शराब की बोतलें प्यारे मियां के फ्लैट में दिखाई दे रही हैं आपको। प्यारे मियां पत्रकार के नाम पर कलंक जैसा साबित हुए हैं। प्यारे मियां पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया है। प्यारे मियां को जो भी गिरफ्तार करवाएगा, ढूंढ कर लाएगा या उसके बारे में जो भी बताएगा, उसको 30,000 का इनाम पुलिस द्वारा दिया जाएगा। प्यारे मियां की ऑडी गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। वो ऑडी गाड़ी से फरार हुआ और तालाब के पास ऑडी गाड़ी को लावारिस छोड़कर वो फरार हो गया। देख सकते हैं प्यारे मियां के ऐश और अय्याशी के अड्डे को, काफी महंगी शराब और लग्जरी फ्लैट, लग्जरी अपार्टमेंट में ये फ्लैट है। प्यारे मियां की हरकतों के बारे में अचानक तब पता चला था जब लड़कियां रात को अंधेरे में सड़क पर रातीबड़ थाने के टीआई को मिली और उनसे जब उन्होंने पूछा, तब पता चला कि प्यारे मियां इन लड़कियों का शारीरिक शोषण करते थे। उसके बाद दो लड़कियां और आईं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि उनके साथ भी प्यारे मियां ने बलात्कार किया, उनकी मां को धमकाया था उन बच्चियों की। और अब उस अंसल अपार्टमेंट में प्रशासन की छापेमार कार्रवाई चल रही है जिसमें प्यारे मियां का फ्लैट है और आलीशान फ्लैट आप देख सकते हैं। प्यारे मियां के फ्लैट पर महंगी शराब की बोतलें और लग्जरी आइटम। कहा जाता है कि प्यारे मियां बच्चियों को यहां लाकर अय्याशी करता था, बच्चियों का शोषण करता था, टॉर्चर करता था उनको, और वे बच्चियां मुंह ना खोलें उसके लिए उनको और उनके परिवार को धमकाया भी जाता था। फिलहाल आपको बता दें प्यारे मियां अभी फरार है। ये अंसल अपार्टमेंट में प्यारे मियां के फ्लैट की तस्वीरें हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अधिमानता रद्द कर दी है प्यारे मियां की, और अधिमानता रद्द होने के बाद जो आवास उनको शासन के द्वारा दिया गया था उस आवास को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। साथ ही प्यारे मियां ने जो अवैध शादी हॉल बनाया था उसको भी कल तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, और आज अंसल अपार्टमेंट पर यह कार्यवाही जारी है पुलिस द्वारा। प्यारे मियां को पर सख्त कार्यवाही के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के संज्ञान में आने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने अधिकारियों से कहा था कि किसी भी तरीके की कोई कसर ना छोड़ी जाए, और मुख्यमंत्री ने भी कल जैसा बयान दिया था और कहा था कि हमारे प्रदेश की बच्चियों के संग इस तरीके का कोई दुर्व्यवहार करेगा
तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और लगा हुआ है। कुछ दवाइयों के रैपर भी उसके फ्लैट से मिले हैं, जिसको पुलिस देख रही है और जानने की कोशिश करे कि ये दवाइयाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर कि कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं प्यारे मियाँ के फ्लैट से। पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, प्यारे मियाँ को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके का दुर्व्यवहार करने वाला आरोपी अय्याश पत्रकार जल्द हत्थे चढ़े। पत्रकार तो इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरीके का काम करने वाला आदमी पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, जो बच्चियों के संग इस तरीके का व्यवहार करता रहा हो। कहा जाता है कि नाबालिग बच्चियों को ये बरगला कर काम देने के नाम पर या पैसा देने के नाम पर ले आता था, उनको शरण देने के नाम पर गरीब घर की लड़कियों को लेकर आता था, उसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया करता था और बच्चियों के संग यौन शोषण किया करता था, बच्चियों के संग बलात्कार किया करता था। और कहते हैं कि बालिग होने पर उन बच्चियों को वापस भेज देता था या छोड़ देता था, रिटायर कर देता था। ये आप देख सकते हैं अंचल अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं, जेसीबी खड़ी हुई है। ये बड़ी कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा, और ये एक संकेत भी है कि इस तरीके के काम करने वाले, इस तरीके के गंदे काम करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्यवाही होगी। प्यारे मियाँ फरार है और जल्द पुलिस की हिरासत में होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस अपार्टमेंट के अलावा भी कई जगह उसकी और अवैध प्रॉपर्टी और चीज़ें हो सकती हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन की नज़र है और जल्द उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। बेहद शर्मनाक घटना है ये प्रदेश के लिए, प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस तरीके की घटना, और एक पत्रकार इस तरीके की वाहियात हरकतें किया करता था, महंगी शराब की बोतलों से नशा करके वो बच्चियों का शोषण किया करता था। कहा जाता है कि पुलिस पर भी भारी दबाव बनाया था उस वक्त, जब बच्चियों को थाने में लाकर उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो दबाव बनाया था उसने कि बच्चियों को छोड़ दिया जाए जिससे कि उसके पाप ना खुल सके। लेकिन कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और प्यारे मियाँ के पाप का घड़ा भर चुका है, अब जल्द पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ जाएगा। उसके बाद प्यारे मियाँ से बहुत सारे राज उगलवाने हैं पुलिस को, जल्द ही प्यारे मियाँ से उन सफेद कॉलर वाले लोगों का भी नाम पता चल सकता है जो इस फ्लैट पर प्यारे मियाँ के साथ अय्याशी और रातें रंगीन किया करते थे। प्यारे मियाँ के संग कहा जा रहा है कि फ्लैट पर बहुत सारे सफेदपोश आया करते थे और पार्टी किया करते थे। ये अंचल अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर प्यारे मियाँ का फ्लैट है। कई राज पता चल सकते हैं इस फ्लैट पर, कार्यवाही हो रही है, पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, तमाम सारी बातें सामने आ सकती हैं, एक एक चीज को बहुत तस्दीक के साथ देखा जा रहा है और बहुत उम्मीद है। आप देख सकते हैं बकायदा लाइटिंग और जिस तरीके की सजावट इस फ्लैट की है वो बड़ा आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इतनी आप ये प्यारे मियाँ के किचन की तस्वीरें हैं, जहां पर भी शराब की महंगी बोतलें आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या मंजर रहा होगा, क्या बच्चियों के संग बीती होगी ये प्यारे मियाँ। सुनने में आया है कि सालों से इस तरीके से बच्चियों का शोषण कर रहा था, और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि वे बच्चियां जो आवाज़ बंद करके
बैठ गई थी वो भी सामने अब आ सकती हैं, प्यारे मियाँ के खिलाफ गवाही दे सकती हैं, बयान दे सकती हैं, FIR करा सकती हैं, जो इसका शिकार बन चुकी हैं। प्यारे मियाँ फिलहाल हम आपको बता दें फरार है और उस पर 30,000 का इनाम घोषित है। प्यारे मियाँ जिस गाड़ी से फरार हुआ था, जिस ऑडी से फरार हुआ था, वो ऑडी भी पुलिस ने जब्त कर ली है और उस ऑडी को भी पुलिस बहुत तफ्तीश से जांच कर रही है। ऑडी में भी हो सकता है कि कुछ कागजात या कुछ चीज़ें मिलें। फिलहाल प्यारे मियाँ को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।